काली माँ बेटी रीना, जो कि बचपन से सांवली थी, उसे अपने सांवले रंग के लिए काफी लोगों की बात सुनने को मिलती। हाय रे भाभी, कैसी काली सी बच्ची पैदा की है, हम लोगों के घर की तो नाक ही कटा दी, अब चार लोगों को बुलाना देना इसके छठी बरक के लिए। ये सिलसिला जो पैदा होते ही शुरू हुआ, वो उसकी शादी के बाद भी। रीना की सास, हाय रे, न जाने क्या देखा इस काली लड़की में मेरे सुंदर गोरे चिट्टे बेटे ने। रीना को खुद पर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि वो सुंदर दिखती है, जहाँ वो काम करती वहाँ भी। रीना, कल तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस मत आना। रीना खुशी खुशी अपने कलीग से बात करती है। अरे पता नहीं कल किस बात का वर्क फ्रॉम होम दे दिया। अरे कल बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं ना, तो बॉस ने जितने भी काले पीले गंदे दिखने वाले लोग हैं ना, सबको घर से ही काम करने को कहा है। रीना को कलीग की बात का काफी बुरा लगता है, लेकिन ये बुरा लगना अब उसकी जिंदगी का हिस्सा हो जाता है और वो चुपचाप सह लेती है। वहीं एक रोज, बहू तुझे कितनी बार कहा है कि घर के बाहर काम निकला कर, काम निकला कर। अरे मोहल्ले में बताना जरूरी है क्या कि तू हमारी बहू है? पर माँ, ऑफिस जाने के लिए तो मैं घर से बाहर निकलूंगी ना। माँ देख, तुझे लगता है कि रीना तेरी बहू बनने के लायक सुंदर नहीं है, तो हम दोनों कहीं और रह लेते हैं, तू अपना देख ले बस। पैसों की लालची रीना की सास को ये भी तो गवारा नहीं था। अरे बाहर रहेगा तो 20-30 हजार फालतू के खर्च होंगे, वो पैसे मुझे दे देना। रीना को सास पर गुस्सा आता है कि वो इतनी इंटेलिजेंट है, अच्छी नौकरी करती है, घर अच्छे से रखती है, लेकिन उसकी सास। वक्त बीतता है, रीना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। क्या हो गया माँ? तेरी बीवी ने जो बच्ची पैदा की है ना, देखा उसका मुंह। अरे फूटी किस्मत हम लोगों की, जो घर में एक तो बच्ची हुई और वो भी काली। बेटे को गुस्सा आ जाता है। माँ देख, मेरी बीवी को जो बोलना था बोला, लेकिन मेरी बेटी को कुछ ना कहना, नहीं पसंद तो फिर से कह रहा हूँ कि कहीं और जाकर रह लेंगे हम। अरे तू तो पागल हो गया है बहू के पैसों के पीछे। अरे देख कितना सुंदर राजकुमार जैसा लगता है तू, कहाँ इन काली माँ बेटे के चक्कर में पड़ गया। बेटा कुछ नहीं सुनता, वो वहां से चला जाता है। अगले रोज घर में रीना की जिठानी, जो कि दूसरे शहर में रहती है, वो आती है। अरे मोना कैसी है, कितनी सुंदर लग रही है लाड़ो, बहुत गोरी लग रही है। फिर वो रीना से कहती है, देख रही है मेरी बहू को, कितनी सुंदर है। अरे हम लोगों का परिवार जहाँ खड़ा हो जाता है ना, वहाँ लोग कहते हैं कि देखो कितने सुंदर लोग हैं, लेकिन तू तो काला दाग बनकर आ गई है हमारी फैमिली में। वैसे मोना को देख, कैसी गोरी तो है, दिन ब दिन और गोरी होती जा रही है। मोना जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती थी, क्यों ना हो गोरी। अरे सास की चिक चिक से दूर हूँ, वरना पता है ना कितनी चोंचो करती थी आप यहाँ थी तो। रीना, इस औरत ने इतनी टेंशन दे रखी थी कि सर के बाल तक सफेद कर दिए थे। सास अपनी खूबसूरत बहू के मुंह से अपनी बुराई सुनती है और चुपचाप वहां से निकल लेती है। फिर अगले रोज, अरे रीना कितना काम करती हो, बच्चा माँ जी को क्यों नहीं दे देती, सारा दिन तो ये बैठी रहती है, क्या तेरा बच्चा भी नहीं देख सकती? अरे रहने दे, माँ ना पकड़ती ऐसी काली सी बच्ची को। रीना के सामने बच्ची की बुराई उससे सहन नहीं होती, वो बच्ची को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रीना की बच्ची को देखने के लिए परिवार के किसी ना किसी सदस्य का आना जाना तो लगा ही रहता है। फिर एक रोज बुआ सास, अरे रीना कैसी हो, मैंने भाभी से कहा था जब तेरे पेट में बच्चा हो तो तुझे खूब नारियल पानी पिलाए, लेकिन नहीं पिलाया होगा, देखो कैसा काला सा बच्चा पैदा कर दिया। क्या लेंगी बुआ जी आप, चाय लेकर आऊं? तो बस चाय पिया कर, अरे ये चाय से ही तेरा रंग पक्का हो गया है समझी। रीना कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन बुआ सास वो कहां शांत होने वाली थी। अरे जिस दिन तू दुल्हन बनकर आई थी ना, मैंने तो तभी माथा पकड़ लिया कि ये क्या है, कौन है ये, मेरा भांजा कहां राम जैसा और दूसरी तरफ तू जैसे की कोई मंथरा। रीना की आदत थी, उसके माता पिता ने उसे ये नहीं सिखाया था कि किसी के आगे कोई जुबान खुले, तो वो शांत ही रहती है। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती जाती है। एक दिन,
माँ वो अंकल है ना, वो मुझे काली बोल रहे थे, बोल रहे थे उस काली के साथ मत खेला करो। रीना समझ जाती है कि जो बातें समाज में उसे झेलनी पड़ी, अब वक्त आ गया है कि उसकी बेटी भी वो बातें सुनेगी। लेकिन इस बार रीना का प्लान कुछ और था। माँ देख मेरे नंबर, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। पर पता है माँ, संध्या के पापा आज भी बोल रहे थे कि संध्या मेरे साथ नहीं खेलेगी क्योंकि मैं काली हूँ। कोई बात नहीं बेटा, काली है तो क्या हुआ, माँ की तो सबसे प्यारी बेटी है ना। ये बताओ संध्या को कितने नंबर मिले? उसको नहीं पता माँ, पर मैम ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया था, शायद वो फेल हो गई है। कोई बात नहीं, रीना की बेटी अब पार्क में जाती तो बच्चे उसे काली कहते हैं, वो किसी मॉल में जाती तो कोई उसे प्यार से नहीं देखता, उसके आसपास के लोगों को देखकर वो हमेशा सोचती कि वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर जब वो परेशान होती तो पढ़ने बैठ जाती। बेटा कल मुझे आपके स्कूल में बुलाया है, आपने कोई शरारत की है क्या? नहीं माँ, वैसे मैम आज आपके बारे में पूछ रही थी और पापा को भी। अगले दिन दोनों माता पिता बेटे के स्कूल जाते हैं, जहां उन्हें बड़ी इज्जत के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया जाता है। आइए आइए, आपकी बेटी तो बहुत ज्यादा होनहार है, उसने वो कर दिया जो पूरे स्कूल में इतने साल में कोई नहीं कर पाया, उसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। रुकिए मैं अभी तारा को बुलाती हूँ। प्रिंसिपल चपरासी को कहती है, इनकी बेटी तारा है ना, उसे बुला लाओ। जी मैडम। मैडम वो संध्या के पापा को बुलाया था ना, वो बाहर खड़े हैं। खड़े रहने दो, अरे जिन्हें खुद चिंता नहीं कि उनकी बेटी पढ़ने में व्यवहार में बिगड़ रही है। खैर जब तक तारा नहीं आती बुला लो उन लोगों को, उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ी देर में तारा आ जाती है, लेकिन प्रिंसिपल उस वक्त संध्या के पापा को डांट रही होती है। कैसी बेटी है आपकी, क्या शिक्षा देते हैं आप लोग, व्यवहार कितना बुरा, पढ़ने में भी वैसे ही। तभी तारा आ जाती है, ये देखिए ये भी तो बच्ची है, आज क्लास के साथ स्कूल का नाम रोशन कर रही है। तारा आप बिल्कुल संध्या के साथ नहीं रहोगी। तारा संध्या के पापा को देखती है, जो हमेशा उसके रंग के कारण अपनी बेटी को उससे खेलने को मना करते रहते थे। तारा के माता पिता, आप लोग कल हमारे स्कूल में बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित हैं। सभी प्रिंसिपल से मिलकर बाहर आ रहे थे कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम तो लाखों में एक हो, आज स्कूल का नाम रोशन कर रही हो, कल देश का नाम रोशन करोगी। इस बार बारी रीना के बोलने की थी। मेरी बेटी का रंग भले ही दबा हो, लेकिन उसकी सोच समझ इतनी है कि वो जिसके साथ भी रहेगी उसे सोना बना देगी। आपने उसके रंग का मजाक बनाया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कभी आपकी बेटी संध्या के लिए ये नहीं कहा कि वो पढ़ने में अच्छी नहीं है, फेल होती है, उसके साथ मत रहो तुम, क्योंकि संध्या में बहुत गुण है जिसे तारा पसंद करती है, रंग या ज्ञान सब कुछ नहीं होता। तारा माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन उसे स्कूल में सम्मानित किया जाता है। माँ मैं कितनी लकी हूँ ना। सभी तारा के आसपास रहने की कोशिश करते हैं। तारा के माता पिता घर आते हैं, जहाँ सास रो रही होती है। अरे माँ जी पता है आज तारा को सम्मानित किया गया, आपकी पोती ने पूरे स्कूल का नाम रोशन किया है। पर वो देखती है कि सास तो रोए जा रही थी। माँ जी आप रो क्यों रही हैं? अरे तेरा जेठ की बेटी। क्या हो गया शिखा को, उसका तो कॉलेज भी खत्म हो गया है, वो पास नहीं हुई क्या? अरे वो ना। इतना बोलकर वो फिर रोने लगती है। क्या हुआ माँ जी, वो इतनी सुंदर है और शिखा तो आपकी फेवरेट भी है, फिर क्या हुआ? अरे वो घर से भाग गई, वो भी सारे जेवर लेकर। हाय रे सुंदरता, दादी ने जिस पोती को सर पर चढ़ा रखा था उसने तो घर का नाम बदनाम कर दिया, और जिस प्यारी सी तारा को हमेशा धुतकारती वो हाथ में ट्रॉफी लिए खड़ी थी। आ मेरी तारा गले लग जा दादी के, तू ही तो है जिसने तेरे दादाजी का सर ऊंचा किया है। माँ इंसान की सीरत देखी जाती है ना कि सूरत। वैसे तारा
ये तो बता, तुम कैसा फील कर रही हो बेटा? माँ, मैं ये फील कर रही हूँ कि मैं सबसे अच्छी बच्ची हूँ। कोई मुझसे बात करे या ना करे, मैं अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान देकर एक दिन देश का नाम ऊंचा करूंगी।